दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बैठक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कैबिनेट सचिव राजीव गौबा करेंगे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी के अधिकारियों के साथ मीटिंग। सीएम अरविंद केजरीवाल ने की डीपीसीसी अध्यक्ष अश्विनी कुमार को निलंबित करने की सिफारिश, एलजी को भेजी सिफारिश, बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकारी काम में बाधा डालने का लगाया आरोप। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार ने केजरीवाल सरकार के ऑड इवेंट पर उठाए सवाल, कहा ध्यान हटाने के लिए की गई घोषणा। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का बयान, कहा सुप्रीम कोर्ट की चिंता वाजिब है, पराली जलाने की घटनाओं पर फौरन लगनी चाहिए रोक। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने की बैठक, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर चर्चा की, प्रदूषण की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के बाद अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या, अस्पताल की ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या में 20% इजाफा। यूपी के बाराबंकी में पराली से बनाई जा रही गैस, प्रदेश के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट शुरू, पराली जलाने के बजाय अब उसे बेचकर कमाई कर सकेंगे किसान। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को दिया 4 दिन का समय तय, समय सीमा में प्रदूषण कम नहीं हुआ तो निर्माण काम होंगे बंद। बॉम्बे हाईकोर्ट की चेतावनी के बाद एक्शन में नजर आ रहे मुंबई के अधिकारी, शहर की सड़कों पर जगह जगह किया जा रहा पानी का छिड़काव। आरक्षण का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव पर बिहार कैबिनेट की मुहर, 65% आरक्षण प्रस्ताव लागू करने का बिहार विधानसभा में पेश होगा आरक्षण बढ़ाए जाने का बिल। नीतीश ने कहा एससी एसटी आरक्षण 17% से 22%, ओबीसी कोटा 50% से 65% किए जाने की जरूरत, राय लेने के बाद उठाएंगे कदम। जाति जनगणना की विस्तृत रिपोर्ट विधानसभा में पेश, बिहार में 63% ओबीसी, एससी एसटी की कुल आबादी 21% से थोड़ी सी अधिक। जनगणना के आंकड़ों पर सवाल उठाए जाने पर नीतीश ने पूछा किस आधार पर उठा रहे हैं सवाल, बीजेपी के आरोपों का कोई आधार नहीं। जाति जनगणना को लेकर नीतीश ने कहा पीएम मोदी से की थी जाति जनगणना कराने की मांग, केंद्र के इनकार के बाद बिहार सरकार ने अपने खर्च पर करवाई है जनगणना। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, सामाजिक न्याय के आर्थिक न्याय की भी बात कर रहे हैं हम, अंतिम आदमी को मुख्य धारा में लाने की हमारी कोशिश। आरक्षण को लेकर बिहार में गरमाई राजनीति, बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने की मांग, पंचायत में आरक्षण बढ़ाए सरकार। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा अति पिछड़ा वर्ग के अधिकारी की नहीं की गई रक्षा। बीजेपी नेता विजय सिन्हा का बयान, गरीब लोगों के लिए काम करती है बीजेपी, इसीलिए आरक्षण का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव का किया है समर्थन। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर हर पार्टी में एक सुर, बीजेपी विधायक नंद किशोर यादव ने कहा अगर नीतीश बढ़ाते हैं आरक्षण का दायरा तो हम करेंगे स्वागत। प्रशांत किशोर का दावा, नीतीश को चुनाव में जाति सर्वे पड़ेगा बहुत भारी, अल्पसंख्यकों का भला चाहते हैं तो गृह मंत्रालय छोड़कर मुस्लिम को क्यों नहीं बना देते होम मिनिस्टर। आरक्षण का दायरा बढ़ाने को संविधान विशेषज्ञों ने बताया गलत, ज्ञानंत सिंह ने कहा 65% आरक्षण की बात संविधान के लिहाज से सही नहीं। जातीय गणना पर बोलते समय नीतीश की जुबान फिसली, महिला विधायकों को चुभी कम बच्चा पैदा करने की बात, बीजेपी विधायकों ने मांगा नीतीश का इस्तीफा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का आरोप, नीतीश का गली के लफंगों जैसा बयान महिला विरोधी है, विधानसभा में ऐसा वक्तव्य देना बहुत शर्मनाक। सदन में जनसंख्या नियंत्रण पर कही गई नीतीश की बातों को तेजस्वी ने बताया सेक्स एजुकेशन, कहा मुख्यमंत्री ने प्रैक्टिकल बातें की उसे गलत तरीके से ना ले। महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा ने एक्स पर लिखा नीतीश कुमार तुरंत माफी मांगे, उनकी अभद्र टिप्पणियां विधानसभा की उस गरिमा और सम्मान का अपमान है जिसमें महिलाओं के अधिकार की बात। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नीतीश की आलोचना की एक्स पर लिखा विधानसभा में ऐसी भाषा का इस्तेमाल गलत, नीतीश तुरंत माफी मांगे। बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है, सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं, बीजेपी उठा रही जाति आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पर सवाल। केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंकाओं के बीच आपका फैसला, पूरे देश में रेफरेंडम और नुक्कड़ सभा के जरिए पार्टी जानेगी राय। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार कैबिनेट की आज बैठक है, मराठा और ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चा संभव, दोपहर 1 बजे शिंदे कैबिनेट की होगी बैठक। कोविड बॉडी बैग घोटाले के आरोप में घिरी शिवसेना उद्धव गुट की नेता किशोरी पेडनेकर, ईडी ने मुंबई की पूर्व मेयर को आज किया तलब। राबड़ी देवी का आरोप, मुस्लिम यादव के यहां लगातार पड़ते हैं छापे, हमारे घर में छापेमारी करे और निकाले जो कुछ निकले, सालों से हमारे परिवार पर कर रखा है केस।
शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात पर एनसीपी नेता जितेंद्र आह्वान का बयान, दोनों नेताओं की दोस्त की तरह हुई मुलाकात, सियासी बातचीत के सवाल पर जवाब देने से इनकार। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, महिलाओं को आरक्षण की बात करने वाले उन्हें हिरासत में ले रहे हैं, डायल 100 का ठेका भी किसी प्रिय पार्टनर को दिया जा रहा। वेतन बढ़ाने और नियुक्ति पत्र देने की मांग को लेकर डायल 112 के कर्मचारियों का प्रोटेस्ट, समर्थन देने पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय। यूपी में कैबिनेट विस्तार की अटकलें हुई तेज, कल राज्यपाल आनंदीबेन से मिले सीएम योगी, मुलाकात के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं ने पकड़ा है जोर। अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव पास हुआ, नगर निगम में रखा गया था प्रस्ताव, अलीगढ़ के महापौर प्रशांत सिंघल ने कहा उम्मीद है शासन जल्द करेगा कार्रवाई। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की धमकी के बाद दिल्ली पंजाब की उड़ानों की बढ़ाई गई सुरक्षा, यात्रा शुरू होने से भी पहले एयर इंडिया के यात्रियों की होगी सुरक्षा जांच। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है, बद्रीनाथ में करेंगी दर्शन, श्रीनगर गढ़वाल में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लेंगी हिस्सा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ड्रोन कैमरों में कैद हुए 100 से ज्यादा नक्सली, पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अपने 2 साथियों को ले जाते हुए दिखाई दिए। बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई जबरदस्त मुठभेड़ में मारे गए थे 2 नक्सली, जवानों ने नाकाम की नक्सलियों की साजिश। पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान में मछली पकड़ने को लेकर विवाद हुआ, पंचायत मंत्री प्रदीप मजुमदार के घर में तोड़फोड़ हुई। दिवाली को लेकर मुंबई में खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट हुआ, बड़ी मात्रा में पकड़ा गया मिलावटी मावा, दुकानों पर सप्लाई की थी तैयारी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में लूट की वारदात, बाइक सवार बदमाश 9.5 लाख रुपए लूट कर फरार हुए, पेट्रोल पंप कर्मचारी बैंक में जमा कराने जा रहे थे कैश। यूपी के अलीगढ़ में स्कूल में बंदूक लेकर पहुंचे हेडमास्टर, ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर अधिकारियों से की शिकायत। गाजियाबाद के कविनगर क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा बदमाश फरार हुआ। यूपी के प्रयागराज में जिला सरकारी फेडरेशन लिमिटेड के सचिव रिश्वत लेते गिरफ्तार, 20,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया। विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने दी अफगानिस्तान को शिकस्त, 91 रन पर 7 विकेट गिरने के बावजूद जीती ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल ने खेली शानदार पारी, मैक्सवेल ने डबल सेंचुरी की बदौलत जीती ऑस्ट्रेलिया। अफगानिस्तान ने बनाए थे 292 रन, अफगानिस्तान की तरफ से जादरान ने नाबाद 129 रन जड़े।